हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो जैसे आप लोग को मालूम है कि डेली व्लॉग्स है, तो डेली व्लॉग्स में हम डेली जो भी करते हैं वो चीज़ें आप लोग को दिखाते हैं। तो अब ऐसा है कि मैं उठ चुका हूँ सुबह सुबह, मतलब करीबन 12 बजने के करीब है, तो 12 बजे उठ चुका हूँ। तो अभी ऐसा प्लान है कि मुझे आज जाना है अंधेरी, तो वो अंधेरी का व्लॉग भी अगर दिखाने को मिलेगा तो दिखाऊंगा मैं, नहीं तो फिर वो मेन चैनल पे आएगा। अभी फ़िलहाल ऐसा है कि मुझे मेरा प्रोटीन लेना है, वो प्रोटीन लेने के बाद मुझे वापस से एक मार्केट जाना है। मार्केट जाके मुझे कुछ अंडे लेने हैं मेरे खुद के लिए, क्योंकि वैसे मेरा चिकन और थोड़ा डाइट चल रहा है, तो इस वजह से मुझे अंडे लेने हैं। और उसके बाद मैं नीचे जाके आप लोग को दिखाता हूँ कि मेरे हायाबुसा का हाल क्या है, वो कैसा है, मतलब ठीक है या पूरा बेहाल हो चुकी है, तो वो भी मैं आप लोग को नीचे जाके दिखाता हूँ। और जो भी चीज़ें मतलब अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोग देखो, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स कर पाऊँ और आप लोग को फुटेजेस कंटेंट दिखा पाऊँ। तो बाकी आप लोग सिर्फ इसको शेयर करते रहो, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे और आप लोग लाइक करोगे तो फिर मैं डेली मैं मोटिवेट होऊंगा और आप लोग को इसी तरीके से वीडियो दिखाऊंगा। तो चलते हैं नीचे और उसके बाद आप लोग को नीचे मिलते हैं। और नीचे जाते जाते ये देखो मैं अपनी, ये दिख रहा है आपको अपाची है मेरे पास एक, तो उससे जाता हूँ मैं। मैंने अपाची इसी के लिए ली है कि यहाँ वहाँ थोड़ा यहाँ वहाँ जाने के लिए काम आ जाए। तो अभी चलते नीचे, नीचे आप लोग को हायाबुसा दिखाता हूँ और क्या हाल है क्या कंडीशन है वो दिखाता हूँ, उसके बाद चलते जाके अंडा लेते फिर आप लोग को मिलते हैं। तो ये बाइक है जिससे हम लोग जाने वाले हैं, ये अपनी कार खड़ी है पूरी धूल मिट्टी में, इसको भी एक दिन धुलाने का है ये देखो। और मैं इसके ऊपर कवर इसके लिए नहीं चढ़ा के रखता क्योंकि कभी भी निकालना रहता है, ये देखो कवर भी इसका इधर दिख रहे हैं, तो कभी भी निकालना रहता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, कवर निकालो फिर डालो इसके लिए। बाकी ये इसको मैंने वॉश करके लाया था, हाँ मतलब अभी थोड़ा ठीक तो है, फिर भी ये देखो मतलब अभी दो दिन पहले ही इसको वॉश किया था लेकिन फिर से ये इस कंडीशन में आ गई है, देख रहे हैं अभी दो दिन पहले ही इसको वॉश किया था लेकिन फिर भी ठीक है, पहले से तो सही है। तो अभी मैं आने के बाद मतलब या तो फिर मैं जब फ्री रहूँगा कल इसके ऊपर कपड़ा मार दूँगा एक बार, तो उस वजह से ये थोड़ी सही लगने लगेगी। और इसको निकालना चाहिए बट मैं नहीं निकालता हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं रहता, जैसे मेरे को आज अंधेरी जाने का है तो मैं ये कम थोड़ा ट्रैवल करता हूँ इससे। तो चलो अभी जाते हैं, पहले अंडा लेते हैं उसके बाद आप लोग को आके मिलते हैं। एसी वाले अंकल हाय करो एक बार, कोई है नहीं, ये देखो यहाँ पे एसी लगाने का है तो इसके लिए थोड़ा देखेंगे समझेंगे। और पीछे मेरे गैलरी का पूरा खराब है, मैं जाता नहीं जल्दी, तो पीछे उसका वो लगेगा ना, क्या बोलते हैं उसका, आउटडोर कंप्रेसर। गैलरी देखो इधर से खुलेगा, हाँ लेकिन बहुत सामान रखा है उधर। ये गैलरी का हाल देखो मेरे, ये देखो तो कहाँ उसमें क्या लगेगा, स्टैंड लगेगा क्या लगेगा, नीचे नहीं रख सकते, नीचे रखेंगे तो पाइप लगेगा, पाइप लगेगा मतलब प्रॉपर पाइप। अच्छा तो क्या सही रहेगा, नीचे रखना सही रहेगा, मेरे ख्याल से ऊपर सही रहेगा स्टैंड लगा के, हाँ। लेकिन जगह घेर तो नहीं लेगा, हाँ ठीक है ना, ऊपर रहेगा तो नीचे भी है ना, ये हाइट पे तो रहेगा बहुत ज्यादा, हाँ। वो साइड में लेके पाइप से 8 इंच छोड़ के इधर ले लेते हैं और नीचे भी फिर सामान रखने के लिए वो रहेगा, ये पूरा आपका स्टोर रूम पड़ा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये मेरे को हटाना पड़ेगा क्या लगाते वक्त, लगा लेंगे थोड़ा, ये थोड़ा साइड होके खड़े होकर लगा लेंगे, है ना, ज्यादा हटाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो हटाना मतलब पूरा घर में घर भी साफ करना, कचरा ही कचरा, देख रहे हो मेरा घर का हाल देख रहे हो कि नहीं, कैसा है मेरा घर, सही है ना, चलो समझ में आ गया रहेगा अभी आपको। इसमें कॉम्प्लेक्स में बहुत काम कराया हूं मैं। अच्छा, और इसका साइज नाप लो कि इस साइज का एसी मिलना चाहिए, इसमें चढ़ना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, ये बंद कर दो ये बंद कर दो, तो अभी एक चादर डाल के इधर लगाता हूँ फिर बताता हूँ कैसा जुगाड़ लगाया गया है। नाप लिए हो गया, और कुछ नापना है तो नाप लो एक बार में, नहीं लेकिन पाइप इधर से डाल देंगे ना ये होल, वो देख रहे थे। अच्छा वो पाइप ना इतने में तो उसको और खड्डा करना पड़ेगा ना, हाँ और खड्डा करना, तो वो तो कर दोगे ना आप, अगर एक्चुअल क्या है ये साइज इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि जो एसी बुक किया वो बैठना चाहिए ये गैप के अंदर, एसी बुक किया ना 1 टन का, हाँ तो 1 टन तो इसमें बैठेगा, 1 टन ही चाहिए मेरे को क्योंकि इतने छोटे रूम के लिए, तो नहीं 1 टन आपका बैठेगा कोई दिक्कत नहीं है,
आराम से बैठेगा, लेकिन दिक्कत ये है ना 40 इंच जगह है, अपना 110 कुछ 33-34 रहेगा, तो ये होल का मुझे डाउट है। हाँ, क्या डाउट है? डाउट ये है, अभी वो लोग आएंगे फिटिंग करने के लिए, हाँ, अगर पतला होल रहे, क्योंकि ये बीम है। नहीं, बीम नहीं है शायद, ये बीम नहीं रहेगा तो डील से होल मार देंगे वो, उस आर पार होगा क्या, क्योंकि उसने पहले ही छेद लगा के रखा है। अरे छेद नहीं, इसमें जब आरसीसी है ये हाँ। पूरा देखो आरसीसी का मॉडल दिखा रहा है, ये देखो। अच्छा, ये अच्छा, आरसीसी अच्छा। आया ना, हाँ। ये आरसीसी पूरा ऐसा आया है। अच्छा, तो दिक्कत हो सकती है क्या? हाँ, दिक्कत हो सकती है, वो आएगा फिटिंग के लिए ना, अगर देखेगा ये पूरा फोड़ेगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि इसमें वो पाइप डाले है लेकिन पतला डाले, अपने को 2.5 इंच का लगता है पाइप डाला है क्या उसके अंदर? प्लास्टिक का पाइप डाले हैं, ये देखो ना इधर से दिख रहा है, छोटा डाला है क्या? हाँ, अपने को 2.5 इंच का लगता है, 1 का डाले हैं, तो वो आएगा फिटिंग के लिए। हो सकता है कि उसको दिक्कत होगा, तोड़ फोड़ करेगा, हो गया तो ठीक है, नहीं फिर और उसको मार के बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर, जैसा रहता। अभी आप समझ लिए ना? हाँ समझ गया। एक बार उनको सिर्फ फोन लगा के साइज बता दो कि मतलब इतना इतना साइज है, तो वो साइज में वो बैठ जाएगा कि नहीं ए सी? तो चलो अभी देखते हैं, पता करते हैं, बाकी मेरा घर का हाल देख लिया होगा तुम लोगों ने। वैसे ये बेडरूम में ए सी है, बट फिर मैं सोचा कि मेरा काम ज़्यादा करके यहाँ पे ही होता है, तो मैं सोचा अभी उधर फिर लैपटॉप लेके जाऊँ, इससे अच्छा यहाँ भी लगा लेता हूँ एक, ऐसा कुछ प्लान है मेरा। तो देखते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। 110 पे ए सी है, अपना लगाना है, ठीक है। और आज मेरे को अभी अंधेरी के लिए भी बाहर निकल रहा है, तो फिर फटाफट ये करता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को डेली ब्लॉग्स का दिखा के, फिर निकलता हूँ। 39 इंडोर के लगाने के लिए जगह है, अपना कुछ 33 है ना, 33-35 32 है, तो आराम से वीडियो देखते रहो, ठीक है, जैसा रहता है आप लोग को बताता हूँ। अभी यार मेरे को बहुत सारे काम भी है, पहले मैं वो काम कर लेता हूँ, भैया को चेक करने दो। देखो ये मेरा दूसरा बेडरूम है और यहाँ पे एसी लगा हुआ है, तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि पानी थोड़ा नीचे गिरता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक वहाँ पे भी लगा देता हूँ। मेरे बेडरूम में मैंने नहीं लगाया था, पर अभी कैसा मेरे को काम करने के लिए फिर इधर आना पड़ता है, फिर सारा सेटअप मेरा उधर है, तो इस वजह से फिर मैं ये रूम में ज़्यादा आता नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ वो रूम में लगा दूँ, मतलब इसको इधर रहने देते, दूसरा एसी वहाँ पे लगा। क्या हुआ भैया, क्या देख लिया? हो जाएगा, स्लोप दिया है वो, हम एसी जब सर्विस करने आएंगे तो क्लियर चेक करके आपको कर। अच्छा, उसका मेरे को लगता है कि वो पाइप है ना, पाइप कहीं अटका है या नीचे साइड से निकालना है, आएंगे ना तो कवर खोलेंगे, तब पूरा आइडिया मिल जाएगा। चलिए चलिए, चलो ओके, थैंक यू, उनको बता देना, ठीक है, ओके ओके, टाटा। देख सकते हो, इसको चालू करके देखोगे एक बार, चालू होता है कि नहीं देखता हूँ। घर का काम इतना है ना मेरे सर पे, क्या बोलूँ आप लोगों को। अभी मैंने क्या किया, वो रूम का एसी चालू करके रख दिया है, देखता हूँ कितना ठंडा होता है। तो क्या है, जब तक एसी मेरे घर में मतलब मेरे रूम में नहीं लग जाता, वो रूम में मैं सो सकता हूँ। तो मेरे को लग रहा था तो मतलब प्रॉब्लम है उसमें, इस वजह से मैं जाता नहीं था, मैं बोला कि शायद नहीं चालू होगा, तो अभी चेक करते, मेरा भी दिमाग थोड़ा अलग है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सुबह से मैं उठाऊँ सिर्फ मौसम्बी का जूस पिया वहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ पे मेरा प्रोटीन बनाता हूँ, और अंडा का क्या करूँ, उबालू कि नहीं, टाइम हो जाएगा, सोचता हूँ, चलो जैसा होता है आप लोग को बताता हूँ। डन, अब प्रोटीन शेक बनाते हैं इसके अंदर मस्त, और प्रोटीन शेक पीते हैं। हाँ हाँ भाई, क्या मजा आ गया, मतलब क्या हवा दे रहा है एसी, है बहुत अच्छा, वाह, चुम्मा ले ले भाई। मतलब सिर्फ मुझे लगता है कि एसी की सर्विसिंग करवाने की जरूरत है, एसी की सर्विसिंग मैं करवा दूंगा, तो फिर देखते हैं मेरे रूम में लगाना चाहिए कि नहीं। मैं अब डाउट में हूँ, क्योंकि इधर इतना अच्छा हवा दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो इसको, लेकिन काफ़ी अच्छा कूलिंग दे रहा है यार, मतलब हिमालय की ठंडी बोलेंगे हम लोग, इतना कूल दे रहा है। मेरी गलत फहमी थी जो मैंने इसको डाउट समझा, सोचा ये खराब हो गया है या इसको सर्विस करवाना पड़ेगा, यार मैंने इसको चालू क्यों नहीं किया। हाँ, मज़ा आ रहा है। तो चलो अभी व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, अगर आप लोग को व्लॉग में मजा आएगा तो ये देखो मेरा प्रोटीन भी बन चुका है, ये देखो प्रोटीन शेक तैयार है, रेडी है। तो आप लोग को व्लॉग में मजा आएगा तो व्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं कोशिश करूंगा डेली व्लॉग्स आप लोग को दिखाने के लिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अंधेरी जाने वाला है, वो मेन चैनल पे आएगा। अंधेरी में मैं स्पेशली किस काम के लिए जा रहा हूँ वो मेन चैनल पे आने वाला है, तो आप लोग जरूर देखना। बाय बाय, सी यू, लव यू, टाटा। ये कांच वाच थोड़ा गंदे, कभी घर का भी साफ सफाई करेंगे तो वो भी वीडियो आप लोग को बना के दिखाएंगे, ठीक है यार। एसी, वाह, मजा आ गया। चलो बाय बाय, सी यू, लव यू, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।